मैदानों में पड़ रही तेज गर्मी सैलानियों को शिमला खींच ला रही है। पिछले 72 घंटे में 47,000 गाड़ियां राजधानी में कुछ इस तरह घुसी कि जाम लग गया। क्या सर्कुलर रोड, कार्ट रोड, कच्ची घाटी, विक्ट्री टनल, संजौली, छोटा शिमला ही नहीं, विशप स्कूल से पुराने बस स्टैंड तक गाड़ियां रेंगती हुई चलती रही। कछुए की तरह सरकती गाड़ियों की लंबी कतारें और असहाय खड़े ट्रैफिक पुलिस, ये तो होना ही था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तैयारी ना के बराबर दिखती है। पहले कहा गया था कि पुलिस के पास एक मिनट में ट्रैफिक सुचारू करने की जादू की छड़ी है, अब यही पुलिस कह रही है कि 3 घंटे लगेंगे। वहीं सैलानियों का ज्यादातर समय रेंगने में ही बीत रहा है। चंडीगढ़ से आए एक पर्यटक ने बताया कि हर साल का यही हाल है, गर्मी में टूरिस्ट तो आएंगे और ये बात प्रशासन को भी पता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। एक और टूरिस्ट करुण ने कहा कि 100 मीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लग रहे हैं। अब पुलिस का कहना है कि कुछ स्थानों पर सड़क की खुदाई होने से भी समस्या आ रही है। लगता है कि इस गर्मी के सीजन में भी शिमला के ट्रैफिक का हाल नहीं सुधरने वाला है।